नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 पे। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की सुबह सवेरे की। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं आपको बता दें कि टोंक के दत्तवास थाना द्वारा अवैध बजरी खनन के विरुद्ध सघन कार्रवाई की गई। बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। प्रवासी मजदूरों की बसों को उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। प्रवासी मजदूर भी राजनीति की भेंट चढ़े। मार्केट के व्यापारी मेरे नेता शांति धारीवाल व राजेंद्र सांकला के प्रयासों से और कलेक्टर साहब ओम जी कसेरा की CMHO BS तवर DYSP राम कल्याण जी के सहयोग से हमारा यू मार्केट कनाडा रोड का मॉडल खोलने के आदेश दिए गए। मजदूरों के पलायन को लेकर चल रही राजनीति के चलते राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ प्रहार करते हुए प्रियंका गांधी द्वारा 1010 दिन जाने पर करार प्रहार करते हुए उनको मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने को कहा। छिपाबड़ोद में विशिष्ट लहसुन मंडी छिपाबड़ोद में आज से बिना टोकन के लहसुन बिकना हुआ शुरू, जिसके चलते मंडी में लहसुन की बंपर आवक हुई। बूंदी में वार्ड 17 समेत शहर में बिगड़ी पेयजल सप्लाई सुधारने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। पार्षद रमेश हाड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन को किया गया। जयपुर में भामाशाह लोगों का बड़ा प्रयास, ना सोए कोई भी भूखा, इसको लेकर के सभी की तैयारियां पूरी तरह से संपूर्ण की गई। निर्भया स्क्वाड टीम कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में कर रही है गर्भवती महिलाओं की हर संभव मदद। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।